में से 10 आप जीते हुए फाइनल में आके आप फाइट भी नहीं दे रहे हो, आपका हाईएस्ट रन स्कोरर विकेट टेकर आपका। अगर अगर जब मैं बोलता हूँ फिर लोगों को बुरा लगता है, खेलने आप देखो केएल राहुल बहुत अच्छा प्लेयर है, मैंने कभी उसको ये नहीं बोला कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है, मेरी हमेशा उससे एक ही शिकायत है भाई तू प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता, जब वाकई पॉइंट आता है जिताने का तो वो बंदा हमेशा चोक करता है। आज कोहली के साथ खेल रहा था ना 50 की साइक्लेट में खेल रहा था ना, आज आता कोहली के साथ 3 छक्के लगाता निकल के कि कोहली खड़ा हुआ कोई बात नहीं तू विकेट मत दियो मैं रिस्क लेता हूं, तो अपनी विकेट बचाई जा रहा है। अबे खेल उसके साथ जैसे श्रेयस अय्यर खेला था भाई, मार पूरे टूर्नामेंट में मार रहा है रन, आज मार, आज वड़वा के 107 पे एक बढ़ा के जहन्नम की लानत अपनी शक्ल पे लेके निकल गया। और फिर तू देख प्रेशर हैंडल, और क्या सबूत है कि प्रेशर हैंडल नहीं होता, आज कीपिंग देखिए उसकी, छोड़े पूरे टूर्नामेंट में कीपिंग देख लो और आज देख लो केएल राहुल को, आज प्रेशर बढ़ कर। अब लोग बोलते हैं केएल राहुल को हेट मत भेजा करो, भाई जब ऐसा परफॉर्म करेगा वो 31 साल का यंगस्टर, अभी तक उसको बैक कर करके जो इंजर भी है फिर भी राहुल द्रविड़ खिलाया जा रहा है, अभी भी तुम बैक करते रहते हो भाई, मैं इस रिजल्ट को कोई बड़ा रिजल्ट नहीं मानता। अगर आप फाइनल खेल गए हो, सॉरी आप कैसे खेल रहे हो फाइनल, सॉरी, और आपने फाइनल में फाइट भी नहीं दी, आप बुजदिली से, प्रॉब्लम यही है ना, आप अभी तक बेखौफ ही वेल अमेजिंग, बट दे कांट विन अ टूर्नामेंट, आई एम सॉरी। एशिया कप को मैं भी बड़ी उपलब्धि नहीं मानता, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बोर्ड आप हो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे आपको मिलते हैं, सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, सबसे ज्यादा डेप्थ इंडियन क्रिकेट में है, हर जगह पे आप सबसे आगे।